जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो। हम आज चैप्टर 2 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज लीनियर कोरिलेशन। ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो चैप्टर इजी है। वेटेज की बात करें तो वेटेज इज 12 मार्क्स। सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी एक एसक्यू, सेक्शन सी में थियोरी भी आ सकती है, छोटू सा सम भी आ सकता है, सेक्शन डी में सम आएगा एंड सेक्शन एफ में भी 5 मार्क का एक सम आएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो लीनियर कोरिलेशन, फर्स्ट टाइम आपने शायद से सुना होगा, रिलेशन सुना होगा आपने। व्हाट इज रिलेशन? सो फ्रेंड्स, रिलेशन मतलब कुछ लेना देना। देन व्हाट इज कोरिलेशन? दो चीजों के बीच में कुछ लेना देना, कि एक में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है, एक में कोई चेंज आता है तो उसके कारण दूसरे में कोई ना कोई चेंज आता है, तो उसको हम कहेंगे कोरिलेशन। राइट? मतलब सपोज हम बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी देन व्हाट हैपन, डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये एक कॉज है कि प्राइस इंक्रीज हुई, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, डिमांड डिक्रीज होगी। सो दिस कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ऐसा अगर दो कोई वेरिएबल है कि जिसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है, तो उसको हम कोरिलेशन कह सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, लीनियर कोरिलेशन किसको कहते हैं? सो लीनियर कोरिलेशन हम इसको कहेंगे कि कोई दो वेरिएबल है कि जिसकी पैर को हम डायग्राम में बनाए, कोई उसका हम चार्ट ड्रॉ करें, अगर उस चार्ट जो ड्रॉ करते हैं उसमें पॉइंट्स जो है वो सारे हमें कोई एक लाइन के आसपास या लाइन के ऊपर मिलते हैं, देन इट विल कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। सो इफ देयर इज साइमल्टेनियसली चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, देन इट इज सेड दैट देयर इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी प्राइस एंड डिमांड, इट मे बी रेडियस एंड सर्कमफ्रेंसेस, इट मे बी प्राइस एंड सप्लाई, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट के कारण, एक में चेंज आने के कारण दूसरे में चेंज आते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या है फ्रेंड्स, कोरिलेशन। नाउ अगर ये कोरिलेशन जो है उसको हम थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करना चाहे, तो मैं आगे आपको कहना चाहूंगी कि कोरिलेशन के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, फर्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकंड वन इज नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव मतलब सिंपल, व्हेन चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन द सेम डायरेक्शन, द कोरिलेशन बिटवीन देम is said to be positive. अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, then it is called positive change. Same direction में change, that means increase अगर एक हो रहा है तो दूसरा भी increase हो रहा है, decrease अगर एक हो रहा है तो दूसरा भी decrease हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे friends, positive correlation. पॉजिटिव कोरिलेशन किसके बीच में होगा फ्रेंड्स? आपकी एज एंड आपकी सेंस। जनरली होता है पॉजिटिव कोरिलेशन कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप में अकल, आप में बुद्धि बढ़ेगी, तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं। दूसरा, प्राइस एंड सप्लाई। अगर आप कोई प्रोड्यूसर है तो ज्यादा प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना चाहोगे, सो इट विल पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड जो टाइप है फ्रेंड्स, वो है नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन? तो व्हेन द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, द कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी नेगेटिव। What this mean? कहना ये चाहते हैं कि अगर opposite direction है, means एक increase होने के कारण दूसरा decrease हो रहा है, तो क्या होगा? तो उन दोनों के बीच में negative correlation होगा।
एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, चेंज दोनों में हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट के कारण हो रहा है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस ये लोग साथ में नहीं चलते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स. इनकम तो आपकी स्टेबल रहने वाली है, अगर आप एक्सपेंस बढ़ाओगे सेविंग्स कम हो जाएगा, अगर आप एक्सपेंस कम करोगे सेविंग्स बढ़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है फ्रेंड्स. प्राइस एंड डिमांड, इकोनॉमिक्स आप जानते हो, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, प्राइस अगर कम हो रहा है देन डिमांड बढ़ रहा है. विद इंक्रीज इन प्राइस देयर विल बी contraction in demand, with decrease in price there will be expansion in demand, that is law of demand friends. Kuch aapko 11th ka remind ho gaya. Next, coefficient of correlation. Now what is this coefficient, kya hai correlation ka? To friends, correlation ko agar hame measure karna hai, say for ke hame x and y ke beech mein kuch relation hai aisa pata hai, suppose baat kare demand and price ki, तो प्राइस एंड डिमांड दोनों के बीच में रिलेशन तो है, दोनों के बीच में रिलेशन तो है, पर ये कितना पक्का रिलेशन है, कितना डीप स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये जानने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जानना पड़ेगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, द मेजर शो द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. मतलब ये जो कोएफिशिएंट है वो क्या शो करेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन. फ्रेंड्स, इस चैप्टर को कहाँ पे यूज करते हैं, तो इस चैप्टर को जनरली प्रोड्यूसर जो है अपनी डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए कर सकते हैं, कितना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाएंगे तो कितना उनका सेलिंग बढ़ेगा वो प्रिडिक्ट करने के लिए कर सकते हैं, मतलब अलग अलग इस टाइप का प्रिडिक्शन जो है वो हो सकता है. सो जनरली बिजनेसमैन ये कोरिलेशन को यूज करते हैं. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या काम में आएगा, तो दो कोरिलेशन कोरिलेटेड जो वेरिएबल है उसके बीच की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए काम आएगा फ्रेंड्स, और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करने वाले हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन विच शोज द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स. दिस मेजर वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन. यस फ्रेंड्स, अंडरलाइन दिस, फर्स्ट ये जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन का मेजर है वो किसने बताया था, कार्ल पियर्सन ने, वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है. अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो कोरिलेशन को मेजर करने के लिए देयर आर थ्री मेथड्स. नंबर वन इज स्कैटर्ड डायग्राम मेथड. नाउ व्हाट इज स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, स्कैटर्ड डायग्राम मीन्स आपके पास एक्स की वैल्यूज है, आपके पास वाई की वैल्यूज है, आप एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पुट करो और एक पॉइंट बना दो, आप वाई एक्सिस वाली वैल्यू और वो दोनों जहां पे टच होगा वहां पे आप पॉइंट बना दो, देन अगेन नेक्स्ट पेयर ले लो, एक्स और वाई दोनों जहां पे मैच होते हैं वहां पे एक पॉइंट बना दो, ऐसे करते करते आप सभी पेयर्स का एक डायग्राम बना दोगे, तो ऐसे करके आपको एक वैल्यू मिलेगी. आपको कोरिलेशन की वैल्यू नहीं मिल सकती है स्कैटर डायग्राम मेथड से, बट आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये जो दो वेरिएबल है x एंड y, इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन है, दैट मींस पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है. यस फ्रेंड्स, तो स्कैटर डायग्राम मेथड के हिसाब से हम ओनली उसका टाइप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का कोरिलेशन है. नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसके सम्स आते हैं फ्रेंड्स, और इसमें काफी सारे अलग अलग फॉर्मूलाज के हिसाब से हमें कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से आर फाइंड करना रहता है फ्रेंड्स. एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड
तो उससे भी हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आपके दिमाग में अभी एक सवाल आएगा कि हमें कौन सी मेथड से सम करना होगा, ये तो कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सम में दिया रहता है कि आपको स्कैटर डायग्राम यूज करना है, वेदर आपको कार्ल पियर्सन के लिए जाना है, वेदर आपको स्पीयरमैन के लिए जाना है। बट यस, आपको याद रखना पड़ेगा कि हम कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बोलेंगे, एंड स्पीयरमैन की जो मेथड है उसको हम रैंक कोरिलेशन मेथड कहेंगे। फ्रेंड्स, ये कब कब कैसे कैसे यूज होती है वो हम आगे इसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। नाउ स्कैटर डायग्राम मेथड को हम डीप में स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी हिस्ट्री में आपको बताओ, ये बहुत ही कम पूछा गया है अभी तक एग्जाम में। यस, आपको थियरी के पोर्शन में आपको 1 or 2 mark में स्कैटर डायग्राम की थियरी पूछ लेते हैं, बट 5 mark का जो सम आता है ग्राफ वाला, वो इसमें से आने के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएगा, बट चांसेस कम है, जनरली इसमें से सम आता है। सो स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है? तो द ग्राफ शोइंग द प्लॉटेड पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द पेयर्स x1 y1, x2 y2, x3 y3, एंड सो ऑन इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। मतलब आप जितनी भी एक्स एंड वाई की पेयर है उन सब को पॉइंट के फॉर्म में अपलोड कर दो एक ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर उस ग्राफ पेपर से आप जो भी लाइन बनती है उसको जॉइंट कर दोगे, तो जो भी आपको मिला दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। आप स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपको एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और 5 dot 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 दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो वो क्या है? तो वो एक्स एंड वाई जहां पे मैच हो रहे हैं वो मैंने शो किया हुआ है। सो नाउ स्कैटर डायग्राम मेथड के हिसाब से अगर हम लीनियर कोरिलेशन के टाइप्स देखें तो 5 total types है फ्रेंड्स। फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन एंड लैक ऑफ कोरिलेशन। टोटल 5 types आर देयर, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? परफेक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एकदम स्ट्रॉन्ग कि अगर हम एक्स में 20% चेंज करते हैं देन वाई आल्सो 20% से ही इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। पॉजिटिव है दैट मींस कि जो डायरेक्शन है वो सेम जाएगी। फ्रेंड्स, आगे जो हम डिस्कशन किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव के ऊपर उस पे मैं अभी भी बरकरार हूँ। अगर चेंजेस सेम डायरेक्शन में है देन पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, बट अगर चेंजेस नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज परफेक्ट, व्हाट इज पार्शियल? परफेक्ट मतलब जितना एक्स में चेंज उतना ही वाई में चेंज आया तो वो हो गया परफेक्ट। बट कुछ कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जिसमें हम एक्स में 20% का चेंज करेंगे तो वाई में 20% से कम या ज्यादा इफेक्ट आएगी, दैट मींस कि बराबरी की इफेक्ट नहीं आती है, तो उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे। पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर चेंजेस दोनों में इक्वल नहीं आते हैं, इक्वल रेशियो में चेंजेस नहीं आते हैं, सो हम उसको पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे। परफेक्ट मतलब दोनों में इक्वल चेंजेस आना, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। पार्शियल मतलब दोनों के इक्वल इक्वल रेशियो में चेंजेस नहीं हो रहे, तो हम उसको पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे। तो वन बाय वन हम स्टडी करते जाते हैं। फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? फ्रेंड्स, आपको 2 mark में ये डायग्राम के साथ इसके डिफाइन पूछ सकते हैं। ओनली डिफाइन पूछेंगे तो 1 mark में, ओनली अगर डायग्राम पूछेंगे तो 1 mark में, अगर दोनों साथ में पूछेंगे तो 2 marks। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर्ड डायग्राम लाई ऑन अ वन लाइन और अ सिंगल लाइन एंड इफ द लाइन इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, mind well, left to right upward direction, then it shows, it indicates perfect positive correlation between two variable x and y. मतलब कि अगर आप x and y की pairs के साथ एक scatter diagram बना रहे हो और scatter diagram
में जो जो पॉइंट्स आपको मिले हैं वो अगर एक सिंगल लाइन के ऊपर जा रहे हैं, सिंगल लाइन के ऊपर जा रहे हैं, अंडरलाइन करना, लाई ऑन वन लाइन, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है. कैसा? परफेक्ट. पॉजिटिव नहीं बोला मैंने. मैंने क्या बोला? अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन पे है तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है. अब पॉजिटिव है या नेगेटिव कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा उसकी डायरेक्शन से. अगर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन है, then it will be positive correlation. अगर left to right downward direction है तो वो negative correlation होता है. friends, perfect positive correlation कहाँ पे होता है? example, perfect positive correlation कहाँ पे होता है? radius and circumference, इन दोनों के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन होता है. आप जितने परसेंट रेडियस बढ़ाओगे उतने ही परसेंट से उसका सर्कमफेरेंस बढ़ेगा. उसका वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर रेडियस बढ़ा होगा तो वो राउंड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. सो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन वन लाइन, परफेक्ट है तो लाई ऑन वन लाइन तो आएगा ही. इफ द लाइन गोज इन डायरेक्शन, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे है और वो लाइन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. डायग्राम में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक्स एंड वाई के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक ही लाइन के ऊपर जा रहे हैं. आप लाइन चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलता है. सो यहाँ पे अगेन आपको एक ही वर्ड का खाली चेंज करना है, जो हमने आगे वाली डेफिनेशन पढ़ी थी और ये वाली डेफिनेशन है, इन दोनों के बीच में एक ही वर्ड का चेंज है, एंड दैट इज डाउनवर्ड. ये वाली जो डेफिनेशन थी ये था, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन वन लाइन एंड इफ द लाइन इज गोइंग इन अपर डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट शोज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. और ये जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसमें आपको खाली एक ही वर्ड का चेंज करना है, दैट इज अपवर्ड के बदले आपको यहाँ पर डाउनवर्ड लिखना है. डाउनवर्ड, यस फ्रेंड. तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स. आप 100% एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, 100% आपका सेविंग कम हो जाएगा फ्रेंड्स. अगर आप 20% एक्सपेंस बढ़ाओगे देन आपका 20% सेविंग्स कम हो जाएगा. मीन्स आपका जितने परसेंट से एक्सपेंस बढ़ेगा उतने ही परसेंट से आपका सेविंग्स डिक्रीज होगा. दैट मीन्स यहाँ पे परफेक्ट रिलेशन है बट नेगेटिव वाला है. एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना ही कम होने वाला है फ्रेंड्स. ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव हम दो अभी तक कवर कर चुके हैं. मूव ऑन टू द थर्ड. इफ ऑल द पॉइंट ऑफ द स्कैटर्ड डायग्राम आर नॉट ऑन वन लाइन, यहाँ पे सिंगल लाइन पर नहीं है, बट लाई अराउंड अ लाइन, मतलब एक लाइन के आसपास में है, लाइन के ऊपर नहीं है बट लाइन के आसपास में है, विच इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. देखो पॉजिटिव आया तो अपवर्ड है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड है. यहाँ पे आगे वाले जो दो थे उसमें से क्या चेंज हुआ फ्रेंड्स? तो यहाँ पे था ऑन लाइन और पार्शियल में हमें लिखना है आर नॉट ऑन वन लाइन बट लाई अराउंड अ लाइन. यहाँ पे कितना चेंजेस है? ओनली परफेक्ट एंड पार्शियल के बीच में क्या चेंजेस रहेगा? तो परफेक्ट में ऑन लाइन है बट पार्शियल में आर नॉट ऑन वन लाइन बट लाई ऑन अराउंड लाइन. तो आपको इतना चेंज करना है, देन आपकी डेफिनेशन रेडी हो जाती है फ्रेंड्स. इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर्ड डायग्राम आर नॉट ऑन वन लाइन बट लाई अराउंड अ लाइन व्हिच इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट सेम रहेगा हर एक में, देन इट इंडिकेट्स दैट देयर इज पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. नेक्स्ट इज पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन. सॉरी फ्रेंड, मैं स्किप कर गई एग्जाम्पल पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन का. तो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन हम बोल सकते हैं प्राइस एंड सप्लाई के बीच में.
एल्स सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाओगे आपका सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बट फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह सकती कि 20% एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ाओगे तो 20% सेल्स बढ़ेगा ही। इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस कैसे है उसके अकॉर्डिंगली, आपका प्रोडक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आपके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो इफेक्ट करेगी। सो वी आर नॉट परफेक्ट पॉजिटिव बट पार्शियल पॉजिटिव। Next, move on to the partial negative correlation. If all the points of the scattered diagram are not on one line and lie around some line which is going to downward direction. Yes, friends, partial positive and partial negative के बीच में एक ही word का change है, that is upward and downward. अगर negative है तो downward और अगर positive है then upward. So, if all the points of the scattered diagram are not on one line but lie around a line which is going to downward direction from left to right, then it indicates, या फिर आप कह सकते हो, it shows that is partial negative correlation between two variable x and y. डायग्राम में भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जो भी पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं वो सारे एक लाइन पर नहीं है, बट हमें लग रहा है कि जैसे सारे पॉइंट्स ऊपर जा रहे या सारे पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं। दैट मींस कोई एक पैटर्न फॉर्म हो रही है जिससे पता लगेगा फ्रेंड्स कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड वाला डायग्राम याद हो या लॉ ऑफ सप्लाई वाला डायग्राम याद हो तो आप इजीली इन सबको लोकेट कर सकते हो। सप्लाई वाला जो था, सप्लाई एंड प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था तो उसमें हम लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते, जबकि जो लॉ ऑफ डिमांड था तो प्राइस एंड डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन था तो उसमें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम शो कर रहे थे। सो फ्रेंड्स वही है, यहाँ पर नया कुछ एडिशन नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन। इफ पॉइंट्स ऑफ द स्कैटर्ड डायग्राम लाई randomly without forming any specific pattern, then it indicates absence of linear correlation. फ्रेंड्स आप डायग्राम में देख रहे हो कि डॉट 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 है बट कुछ पता नहीं चल रहा है whether it is positive, whether it is negative, so there is lack of correlation. Friends, उसमें हम कुछ identify नहीं कर सकते हैं। Suppose मैं अगर आपको बोलूं price of mobile and demand of petrol, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है फ्रेंड्स? कुछ नहीं है। Then, it is absence of linear correlation. कोई अगर specific pattern नहीं बन रही है, हम जो भी points बना रहे हैं वो ऐसे ही इधर उधर बिखरे पड़े हैं, then there is lack of correlation. Very easy, very simple. Then next, merit of the scattered diagram method. स्कैटर्ड डायग्राम मेथड के फायदे क्या है? वेरी इजी ग्राफ है तो आप हमेशा इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, देख के पता लगा सकते हो। फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, जिनको मैथमेटिक्स इतना नहीं आता है, वो लोग भी इजीली इसको पता लगा सकते हैं। आपको अगर स्ट्रेंथ जाननी है, आप कोई स्कैटर्ड डायग्राम देखते हो, आपको तभी पता चल जाता है कि ये स्ट्रांग रिलेशन है इन दोनों के बीच में या स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, वीक रिलेशन है। आपको टाइप जो है वो तुरंत पता लग सकता है, whether it is positive, whether it is negative. अगर एक ही लाइन पे पॉइंट्स आ रहे हैं आप तुरंत बता दोगे कि इन दोनों के बीच में तो परफेक्ट रिलेशन है, राइट फ्रेंड्स? तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस क्या है? इसके लिमिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लिमिटेशंस जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है फ्रेंड्स, बट मैं आपको स्पेशली स्कैटर डायग्राम मेथड के बारे में बताओ तो इसकी मेरिट्स से इसकी लिमिटेशंस जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना है। दिस मेथड इज गिवन अ नेचर ऑफ कोरिलेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कि इससे हमें नेचर पता लगता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड सम आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये भी पता लग सकता है, बट इट डज नॉट गिव एनी एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। मतलब एक्स एंड वाई के बीच में एग्जैक्ट कितना
कोरिलेशन है उसकी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं लगती है फ्रेंड्स, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है स्ट्रांग है, हम इसका नेचर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट फ्रेंड्स हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं बिकॉज इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो उसका क्या उपाय है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली कार्ल पियर्सन, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, बट इन नेक्स्ट सेशन फ्रेंड्स क्विकली हम एक रिकैप दे देते हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने क्या पढ़ा, तो इसका वेटेज पढ़ा, देन हमने कोरिलेशन क्या होता है ये पढ़ा, फिर लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, तो कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है, इंक्रीज डिक्रीज एक के कारण दूसरा भी हो रहा है तो उसको हम कोरिलेशन कहते हैं, बट लीनियर मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है सेम जा रहा है, जो भी पॉइंट्स हम कर रहे हैं वो एक सेम लाइन पे या अराउंड लाइन जा रहा है तो हम उसको लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। देन हमने टाइप्स देखे, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में चेंज तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज तो नेगेटिव। देन आफ्टर हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसको हम R कहते हैं, इससे हमें स्ट्रेंथ पता लगती है। कोरिलेशन को फाइंड आउट करने की मेथड कितनी है, कैलकुलेट करने की मेथड कितनी है, तो 3 मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। देन हमने पूरा स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है, उसके कितने टाइप्स है 5 वो देखे, फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड partial positive correlation, partial negative correlation and lack of correlation, या फिर तो बोल सकते हो absence of linear correlation, and then last में हमने देखा merits and demerits, मतलब limitations of scatter diagram method। इसी के साथ आज का chapter, sorry आज का session खत्म कर रहे हैं friends। आपको ये कल पूरी theory याद कर लेनी है friends, और कल से हम sums पे jump करेंगे। जय हिंद friends।